वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं टैक अर्निंग सपोर्ट, जहां आप अर्न कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, घर बैठे फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी न्यू प्लेटफॉर्म हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, अगर आप पूरे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी जरूर होता है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से हम टोकन्स ज्वाइन करते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं यूएसडी में, हमारा प्रॉफिट लेते हैं INR में, किस तरीके से हम उनको डायरेक्ट अपने बैंक के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही अगर बैंक से विड्रॉ लेने में हम लोगों को टाइम लगता है 1 डे, 2 आवर्स, 3 आवर्स, लेकिन डायरेक्ट हम पेयर टू पेयर करके भी विथ इन अ मिनट्स हम लोग अपने जो भी टोकन्स हैं उन लोगों को सेल आउट करके INR में आपकी मन चाहे करेंसी में उन्हें सेल आउट करके किस तरीके से आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। आज ये पूरी वीडियो उनके ऊपर है कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं INR में, जल्द से जल्द विड्रॉ लेना चाहते हैं, या दूसरी एक्सचेंजेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो मुझे ट्रस्टेड लगी, वर्स्ट बेस्ट एक्सचेंज मुझे जो लगती है, मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ आज के प्लेटफॉर्म पे जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, दैट इज WazirX। WazirX के बारे में सब लोग जानते होंगे, एक साल से काफ़ी टाइम से ये जो एक्सचेंज है वो चल रही है, और इंडिया की मैं कह सकती हूँ सबसे ट्रस्टेड एक्सचेंज मुझे यही लगती है, जहाँ आप INR विड्रॉ ले सकते हैं। और जब से RBI बैंड हटा है, तो जब से तो INR में जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल हैं वो भी अच्छे से शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस WazirX एक्सचेंज पे हूँ, इसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने टोकन्स को INR में विड्रॉ लेने के लिए। अब INR में कन्वर्ट करके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस पहुंचाने के लिए इस एक्सचेंज पे फर्स्ट एंड ऑल आपको साइन अप करना होगा। साइन अप का ऑप्शन एज यूजुअल आप लोगों को पता ही होगा। साइन अप करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पे आते ही आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा और पासवर्ड डाल दीजिए। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास मेल वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उसको वेरीफाई करते ही आप इस अकाउंट में लॉग इन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी एक्सचेंज के इनके पेज पर हूं, जहां पे 3 तरीके के पेयर मुझे दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉर USDT में, BTC में और INR में। BTC के पेयर पे जब मैं क्लिक करती हूं, तो BTC में जिन जिन कॉइन्स की, जिन जिन टोकन्स की ट्रेडिंग चल रही है, जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं या जिनके थ्रू हम BTC के थ्रू इन्हें खरीद सकते हैं या इनके थ्रू हम BTC में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इनके पेयर दिख रहे हैं। इसी तरीके से USDT पे क्लिक करते हैं, तो USDT में कौन कौन से टोकन्स के पेयर हैं वो आपको दिख जाएंगे, और जब हम INR पे क्लिक करते हैं तो INR के कुल इतने ही पैसे हैं, जहां पे आप BTC को INR में, INR से BTC, इथेरियम, XRP, LTC एंड USDT टोकन्स जो हैं उन्हें बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस ये आता है कि इसे किस तरीके से आप जो है डिपॉजिट, किस तरीके से आप INR इसमें डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही अगर आपके पास INR है तो आप उनको किस तरीके से BTC, इथेरियम, XRP, LTC में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके पास कोई और कॉइन्स है तो उनको आप INR में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ ही P2P एक्सचेंज जो है, P2P यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, जहाँ जिसे हम कहते हैं पेयर टू पेयर, मतलब आप अपने टोकन, अपनी INR को कन्वर्ट कर सकते हैं और यहां से ले बाय कर सकते हैं, सेल किस तरीके से कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। फिलहाल हम लोग सबसे पहले इसमें एक्सचेंज पर आते हैं, तो मैंने आपको इन तीनों के ऑप्शन समझा दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि INR का डिपॉजिट एंड विड्रॉल किस तरीके से होता है, तो हम इस फंड के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं, सो हम एक न्यू पेज पे पहुंचते हैं, जहां पे इसकी फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। हम लोग इस पेज पर आ गए हैं, जहाँ पे अगर मैं INR के ऑप्शन को देखूँ, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है डिपॉजिट ऑप्शन और विड्रॉ ऑप्शन। जब मैं INR जो है इस वॉलेट के अंदर अपने बैंक के थ्रू डिपॉजिट करना चाहती हूँ, तो मैं डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अगर मैं INR को, मतलब रुपीस को विड्रॉ करना चाहती हूँ अपने बैंक में, तो फिर मेरे को विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, तो एक और न्यू पेज ओपन मेरे सामने होगा, वो इस तरीके से होगा, जहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स अपनी सबमिट करनी होगी। बैंक डिटेल्स क्यों सबमिट करनी होगी आपको, जिससे कि जिस बैंक के अकाउंट से आपको यहाँ पे INR डिपॉजिट करने हैं वो ये डिडक्ट कर सके। तो आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा, अपना अकाउंट नंबर, IFC कोड एंड सेविंग टाइप देने के बाद में सबमिट करना होगा। जैसे ही ये डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद में जैसे ही आप डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपसे पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। आप अमाउंट डालेंगे और डिडक्ट होके वो जो बैलेंस है वो आपके बैंक से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और आप इसका
डिपॉजिट इस तरीके से कर सकते हैं। फिर बात आती है कि आप किस तरीके से इसका विड्रॉ ले सकते हैं। सो विड्रॉ लेने के लिए आपको विड्रॉ के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वेट, जैसे ही आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो विड्रॉ के ऑप्शन के लिए भी आपको इस तरीके से बैंक डिटेल्स होगी। अगर आपने पहले से फिल रख रखी है तो वो ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ये आपका बैंक अकाउंट है, आपको कितने का विड्रॉ चाहिए आप लोग बता दीजिए, उतना अमाउंट भर दीजिएगा, डायरेक्ट आपके विड्रॉ होकर आपके उसी बैंक में चला जाएगा जिसका अकाउंट नंबर, जिसका जो आपने सेव कर रखी होगी अपनी इस अकाउंट में, है ना। काफ़ी ईजी प्रोसेस और बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास BTC, रिपल या कोई भी कॉइन है, अब उसको आप INR में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे एक्सचेंज पर। एक्सचेंज पर जाने के बाद में हम INR के पैर पे क्लिक करेंगे। INR के पैर में जिस तरीके जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम BTC को किस तरीके से रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे BTC टू INR के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं BTC टू INR के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ सो ये सभी बाय एंड सेलर के जो भी ऑर्डर्स हैं वो मुझे शो होने लगेंगे। एंड लास्ट और हाईएस्ट प्राइस और करंट प्राइस की डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगा। फिलहाल इसकी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की प्राइस इतनी चल रही है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उतना अमाउंट INR का यहाँ भर दीजिएगा, इतना अमाउंट भरते ही आपका बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास BTC है तो आप यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना अमाउंट भर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट पे बेचना है और यहाँ पे BTC की वैल्यू भर सकते हैं। सो आपका जो भी बिटकॉइन होगा वो सेल हो जाएगा और आपके पास INR आ जाएंगे, उतने आ जाएंगे जितने का आपने प्राइस वैल्यू सेट की होगी। तो इस तरीके से ये बुकिंग ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे। ये ट्रेडिंग हिस्ट्री इसकी चल रही है कि जो बायर बैठा है वो इतने रुपये पर बैठा है इतने बिटकॉइन का, ठीक है। एंड सेलर की प्राइस ये होती है। अगर आपको बाय करना है सेल करना है, सबसे कम का प्राइस जो है ये है और सबसे कम पे जो सेलर है वो ये है। तो आपको अगर जो आपके अकॉर्डिंग सेट लगे आपको बस इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और आप अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको बाय एंड सेल ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये उसके ये बाय के ऑप्शन पर आके इस पर क्लिक करूँगी तो ये बाय का फिल हो जाएगा और मैं प्लेस ऑर्डर यहाँ पे कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे बाय एंड सेल के और आपके जो INR हैं वो BTC में कन्वर्ट हो जाएंगे और BTC INR में। इसी तरीके से ये सारे मेथड जो रहेंगे वो इथेरियम टू INR, XRP टू INR सभी के सेम प्रोसेस रहेंगे। बस क्लिक कीजिए यहाँ पे INR और बाय ऑर्डर पे आइए, आपको ये सबसे बेनिफिट वाला लगा तो आप इस पर क्लिक कीजिए, प्लेस ऑर्डर करिए, फिर इस वाले ऑप्शन पे आइए, बाय वाले ऑप्शन पे आइए, अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इस पर भर दीजिए। तो इस तरीके से करने के बाद काफ़ी ईजीली तरीके से आप BTC टू INR, INR टू BTC कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो विड्रॉ है वो आप बैंक अकाउंट के थ्रू तो ले ही सकते हैं, साथ ही यहाँ पे जो अपना फंड है उसको UPI से सेट करने के बाद में विथ इन अ मिनट्स आप अपना जो फंड है उसको यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात मैं करने वाली हूँ वो P2P के ऊपर बात करने वाली हूँ। P2P के बारे में आपको सबको पता होगा, P2P का मतलब होता है पेयर टू पेयर। मतलब आप अगर अपने जैसे यहाँ पे दे रखा है USDT एंड INR, इसके अलावा और भी करेंसी दे रखे हैं जिनमें आप इनको चेंज कर सकते हैं, बट हमें तो INR के बारे में जानना है। मान लीजिए आपके पास USDT है और आप उसे बेचना चाहते हैं INR में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज आप अपने USDT को सेल करना चाहते हैं। तो आप सेल के ऑप्शन पे आएंगे, सेल के ऑप्शन पे आने के बाद में आपका अकाउंट वही अगर आपने वेरीफाई करा रखा होगा तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। मेरे पास ऐसा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इस पर अपना अकाउंट जो है वो ऐड नहीं किया है, ठीक है। ऐड अकाउंट कर देंगे तो वहाँ से आपका सब कुछ सेट हो जाएगा और जैसे ही आपका जो सेल ऑप्शन होगा वो सेल हो जाएंगे, जैसे कॉइंस आपकी जो विड्रॉल है वो आपके बैंक में चला जाएगा और ये प्रोसेस होता है विथ इन अ मिनट। अब इसके तीन प्रोसेस के थ्रू ये काम करता है, किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताती हूँ। ये होता है बैंक अकाउंट, अगर आप चाहते हैं बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल नहीं करनी, वो जो प्रोसेस था पूरे बैंक अकाउंट का वो ये जब था जब आप डायरेक्ट बैंक में जाते हैं विड्रॉ,
ये वाला ऑप्शन में से आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि पेयर टू पेयर में एक तो ये सुविधा हो जाएगी कि आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा जो कि आपके टोकन खरीदना या बेच खरीदना चाहता है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो अपने टोकन बेचना चाहता है, ठीक है। अगर आप यूपीआई के थ्रू क्लिक करेंगे तो ये यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही बस अपना यूपीआई नंबर डाल दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, वो डायरेक्ट डिडक्ट कर लेगा आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट किस तरीके से ये तीन प्रोसेस में वर्क करता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट एंड ऑल होता है पे डायरेक्ट टू सेलर बैंक अकाउंट, ये नो मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो एक न्यू पेज ओपन होगा, ये पूरी तरीके से आपको बता देगा कि किस तरीके से आपको बेनिफिट देता है, कितना इनका मार्केट है। सबसे पहले आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, फिर वो सेलर के पास पहुंचेगा, सेलर कंफर्म करेगा अपनी पेमेंट को, एंड उसके बाद में वो रिलीज़ होगी, और किस तरीके से सेफ एंड फास्ट तरीके से मेथड से आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये काफ़ी बेटर लगा। अगर आप सेलर हैं तो आप सेलर के ऑप्शन पर आएंगे तो ये किस तरीके से वर्क करेगा कि आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, कन्फर्म रिसीविंग तब पेमेंट करेंगे क्योंकि सामने वक्त तरफ से भेजी गई है, तो कन्फर्म रिसीविंग पेमेंट करेंगे तो वहाँ से पेमेंट रिलीज होगी और आपके पास पहुँच जाएगी। ये बाय और सेलर के तीनों प्रोसेस आपको समझा रखें, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट वेब एक्सचेंज है जहाँ पे हम इजी तरीके से अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार बैंक के थ्रू या फिर UPI के थ्रू और P2P मेथड के थ्रू हम इनको यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी कन्वीनियंट लगेगी और विथ इन अ मिनट तो UPI के थ्रू आपका जो विड्रॉल है वो आपके बैंक में आ जाएगा। और अगर आप बैंक से करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस डेज बताते हैं 24 to 48 hours, बट गाइस कम ही लगते हैं, मिनिमम 2 hours के अंदर आपका जो विड्रॉल है वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। फिलहाल मैंने इसके ऊपर कोई विड्रॉल लेकर नहीं देखा है, बट मैं जैसे ही लूँगी वैसे ही आपको अपडेट जरूर करूँगी। इससे पहले भी मैं एक एक्सचेंज के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ऐसी एक्सचेंज जो मैंने आपको बताई थी CoinDCX के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको विड्रॉ प्रूफ भी दिखाया था। मैं 2 to 3 विड्रॉल्स ले चुकी हूँ यहाँ से, एंड गाइस विथिन 15 मिनट्स के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में मेरा जो बैलेंस है वो INR में आ जाता है। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जो कन्वीनियंट लगे, CoinDCX और WazirX दोनों ही बेस्ट एक्सचेंजेस हैं। अगर आप क्रिप्टो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, INR के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना चाहते हैं, या फिर आप INR के थ्रू बाय एंड सेल करना चाहते हैं, अभी मैंने इन दो एक्सचेंजेस के बारे में आपको फुल इन्फो दे दी है। नेक्स्ट मेरा यही रहेगा कि अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस तरीके के वीडियोज चाहते हैं या किस टॉपिक के ऊपर क्वेरीज चाहते हैं, तो मैं उन क्वेरीज के लिए आपके लिए वीडियोस बना सकूं जिससे कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सकें। फिलहाल मेरे पास यही क्वेरीज आई थी कि इजी में मेथड क्या है, तो मुझे CoinDCX का लगा जो मैं फिर से बना चुकी हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि WazirX के ऊपर भी आपको एक बार बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं जिससे आपके जो डाउट्स हैं कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सके एंड उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्री अर्निंग के लिए, एंड पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए हर यूनिक वीडियो के अपडेट्स के लिए, एंड चैनल वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें अच्छा लगता है जिससे हम थोड़ी और मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे एयरड्रॉप्स एंड अच्छी अच्छी अपडेट्स लेकर आ सकें।